एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 12th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का नेक्स्ट वाला चैप्टर। प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने अपना फर्स्ट वाला चैप्टर जो था उसे कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो आपका चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। सबसे पहली चीज तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये सॉल्यूशन क्या है और इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन क्यों है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो वो हमारे लिए सारा का सारा चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन से। देखो, हम लोग क्या है ना, अपने नेचुरल लाइफ में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस को बनाते हैं, लेकिन हम लोग उनको कभी भी स्टडी नहीं करते। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हम लोग 12th में आकर के इस चैप्टर में उनको स्टडी करने वाले। आपने बचपन से लेके अभी तक के, स्कूल लेस से लेके अभी तक के बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए होंगे, जैसे कि नमक का पानी बनाते हैं, जैसे कि शुगर का पानी बनाते हैं, मतलब शक्कर का पानी बनाते हैं, जैसे कि आप लोग अपने लिए शरबत रसना वगैरह बनाते हो, तो ये सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस हैं। आप ये सारे सॉल्यूशंस आपको बनाते आते हैं और ये सारे सॉल्यूशंस आपने बनाए भी है, लेकिन इनकी स्टडी कभी नहीं की। लेकिन अब हम लोग इस चैप्टर में उन सारे के सारे सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे जो आपने ऑलरेडी बना लिए हैं आपके डेज में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, सॉल्यूशन को अगर पढ़ना है तो सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा मिक्सचर, क्योंकि अगर मैं मिक्सचर नहीं पढ़ती हूँ तो मैं सॉल्यूशन को नहीं समझ सकती हूँ। क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है ना, किसी भी चीज़ का आप सॉल्यूशन ले लो दुनिया की, वो बना होता है मिक्सचर से, है ना। अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करोगे तो उनका मिक्सचर होगा, वो मिक्स हो गए और उससे आपका एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन फ्रेम होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होती है कि एक बार हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मतलब देखो, अब आप लोग एक चीज समझ लो, ये सारे के सारे चैप्टर में हम लोग ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल सकते कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे या लिक्विड को गैस में मिलाएंगे, ऐसा हम लोग कहीं पे भी नहीं बोलेंगे। हम लोग एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करेंगे, कंपोनेंट, और आपको भी कंपोनेंट टर्म यूज़ करना है, क्योंकि आप ऐसे रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में नहीं बता सकते हो, क्योंकि हर टाइप के सॉल्यूट और हर टाइप के सॉल्वेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करना है, कंपोनेंट। समझ में आ गया ना, कंपोनेंट। अब दूसरी चीज़ ये, अगर मैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर मैं मिक्स करती हूँ तो उससे मेरा मिक्सचर फॉर्म होता है, इसलिए मैंने उसका लिखा है मिक्सचर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मिक्सचर के बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखो, जो सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल है ना मिक्सचर का, वो है आपका एयर, क्योंकि बुक में भी आपका एयर दिया है। अगर आप देखते हो एयर को, तो एयर किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। आप बहुत सारी गैसेस देखते हो ना, जैसे कि अगर आप अपने आसमान को देखते हो तो उसमें बहुत सारी एयर होती है। तो एयर में कौन सी गैसेस होती है, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती है। मतलब आप समझ जाओ, ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है। जब ये एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे तो इनसे कहीं ना कहीं आपका मिक्सचर फॉर्म होगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, आपने भेल खाई होगी, तो भेल में मुरमुरे डालते हो, सेव डालते हो, चूड़ा डालते हो, इमली की चटनी डालते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करते हो। जब आप वो सारी चीज़ों को ऐड करते हो तो आप उनको मिक्स करते हो, तो उससे भी आपका मिक्सचर भेल फ्रेम होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो भी आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, वो है आपका टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अगर मैं बात करूँ ना टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के दिमाग में तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मिक्सचर के कौन से दो टाइप्स होते हैं। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आपने जो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम लोग ये वाली चीज़ स्टडी करते हैं,
कि मिक्सचर्स के कौन से टाइप्स होते हैं। जिसको भी वो चीज़ देखना है डिटेल में, मैंने वो 11 स्टैंडर्ड का वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज़ आपकी 11th में ऑलरेडी थी वो चीज़ अगर आपको 12th में दी गई है तो आपको सिर्फ एक ही बार देखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जो होता है, मिक्सचर्स के आपके दो टाइप्स होते हैं। जो आपके 12th में ना, आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जो 11th में हो चुका है ना उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें तो स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है ना, राइट। पहला टाइप होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर। चलिए, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो हमें इनके डेफिनेशन से कोई भी लेना देना है ही नहीं, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा देती हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बाकी जिसको भी डिटेल में चाहिए वो वहाँ से देख सकता है वीडियो में से। तो सबसे पहली चीज़ ये है, इसका नाम ही होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। होमोजीनियस का मतलब आपका एक जैसा होता है, और हेटरोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा नहीं होना। चलिए, अब आप लोग खुद ही सोचिए, होमोजीनियस तो होमो का मतलब ही होता है एक जैसा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सपोज मैंने किसी एक चीज़ को, सपोज मैंने एक कंपोनेंट को लिया है, उसके अंदर में अगर मैंने ऐड किया है आपका दूसरा वाला कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर टू, तो आपको एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम रहेगा मिक्सचर, और वो मिक्सचर जो रहेगा ना वो एक जैसा रहेगा, इसलिए उसका नाम है होमोजीनियस। होमो का मतलब एक होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक जैसा। अगर मैं बात करती हूँ ना हेटरोजीनियस, तो हेटरोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा नहीं। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने इसके अंदर में एक कंपोनेंट डाला है और मैंने इसके अंदर में दूसरा कंपोनेंट डाला है, तो उससे आपका एक मिक्सचर तैयार होगा, और वो मिक्सचर कैसा रहेगा, अलग अलग, वो मिक्सचर आपका एक जैसा नहीं रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने आपका कोई चीज़ लिया है, सपोज मैंने ले लिया है एक ग्लास, ग्लास के अंदर मैंने पानी डाला है, पानी के अंदर में आप शक्कर को डालो, शक्कर को डिजोल्व कर लो, तो कुछ समय के बाद वो शक्कर डिजोल्व हो जाएगी, तो वो सोल्यूशन पूरा एक जैसा ही रहेगा, है ना, शक्कर के आपको उसमें क्रिस्टल्स नहीं दिखेंगे, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका होमोजीनियस का। आप पानी का बीकर ले लो और पानी के बीकर के अंदर में रेती को डाल दो और फिर उसको डिजोल्व करो, तो थोड़ी देर बाद भी अगर आप देखोगे ना तो वो रेती पानी के अंदर में डिजोल्व हो ही नहीं पाएंगी अच्छे से, ठीक है। तो रेती आपको अलग दिखेगी और पानी आपको अलग दिखेगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, या उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग दिख रहा है, रेती भी अलग दिखेगी, पानी भी अलग दिखेगा। समझ में आ गया ना, एग्जांपल हमेशा हमारे जनरल लाइफ के होते हैं, एग्जांपल समझ गए तो कंसेप्ट भी समझ जाता है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के चैप्टर नंबर 1 में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, और आप सबको पता है कि मैटर के टोटल 3 स्टेट्स होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है आपका गैस, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो थे वो आपके 3 थे टोटल, स्टेट्स ऑफ मैटर आपके 3 थे, एक था आपका सॉलिड, एक था आपका लिक्विड, और एक था आपका गैस, ठीक है। तो कहना मुझे ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक रॉन्ग अजम्पशन चल रहा है अभी तक के, और वो हमेशा यही रॉन्ग अजम्पशन के साथ चलते हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा सॉलिड ही रहेगा, सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा लिक्विड ही रहेगा, और ऐसे लोग एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट जो होता है और जो भी सॉल्वेंट होता है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। मैं बताती हूँ आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपका सॉल्वेंट है वो भी कुछ भी हो सकता है, वो भी सॉलिड हो सकता है, वो भी लिक्विड हो सकता है, वो भी गैस हो सकता है, मतलब आपके टोटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, और भी है लेकिन मेजर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो सॉल्यूट भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है।
चलिए देखते हैं और समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जस्ट एक एक लाइन की डेफिनेशन में। देखो कैसा है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको यहाँ पे काम पड़ने वाला है। तो बुक में डेफिनेशन नहीं दिए और आपको डेफिनेशन रटना भी नहीं है, सिर्फ समझ लो। पता तो होना चाहिए कि सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली चीज है आपकी सॉल्यूट और सेकेंड थिंग है आपकी सॉल्वेंट। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपका माइनर कंपोनेंट होता है, द माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट का मतलब ये हो सकता है कि कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। जो भी कंपोनेंट आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। वो कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड थिंग ये, आप खुद ही सोच के मुझे बता दो, जब सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसको मैंने माइनर कंपोनेंट लिखा है। अगर एक चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो दूसरी वाली चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी, राइट? तो अगर माइनर मतलब कम होता है तो मेजर मतलब ज़्यादा होता है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, द मेजर कंपोनेंट मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इन लार्जर अमाउंट दैट कैन डिजोल्व इज सॉल्यूट, समझना जरा, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो भी आपका कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूट को भी अपने अंदर मिक्स करवा सकता है, डिजोल्व करवा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझने के बाद अब हम लोग अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये टेबल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही ड्रॉ किया है, ये टेबल के सारे एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक के ही है, लेकिन अब हम लोग इनको जज कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि पहले आपको कभी भी सॉल्यूट दिया जाएगा और बाद में आपको सॉल्वेंट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने कॉलम भी वैसे बनाया है, सॉल्यूट का पहले दिया है फिर सॉल्वेंट का। तो आप जब भी एग्जांपल को ऐसे लाइन से पढ़ोगे ना तो आप समझ जाना कि पहले आपका सॉल्यूट है फिर आपका सॉल्वेंट है। समझ में आ गया ना? चलिए देखते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ शुगर इन वाटर, शुगर, तो आपका शुगर कैसा होता है? शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो शुगर का आपका फॉर्म कैसा रहेगा? सॉलिड फॉर्म। और मैंने कहा है इन पानी मतलब ही इन वाटर, और पानी या वाटर कैसे स्टेट में होता है? आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोल रही हूँ अलॉयज ऑफ मेटल, मतलब ही अलग अलग मेटल को मैं एक दूसरे के अंदर में अगर डाल रही हूँ तो उससे मेरा अलॉय फॉर्म होता है ना, आपने बहुत बार पढ़ा होगा अलॉय को। तो एक मेटल को मैं दूसरे मेटल के अंदर में डाल रही हूँ तो मेटल भी सॉलिड है, दूसरा मेटल भी क्या है, सॉलिड। तो मैं लिखूंगी सॉलिड इन सॉलिड, रटने का तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ आयोडीन इन एयर, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, जो भी आपका आयोडीन है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है। पहले आयोडीन आया है तो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी चीज़ आपकी पहले आएंगी वो आपका सॉल्यूट रहेगा और जो भी चीज़ आपकी बाद में आएंगी वो आपका सॉल्वेंट रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ एयर तो गैस है, तो आपका सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, गैस। चलिए अब आ जाते हैं इथेनॉल इन वाटर की। तो आप लोग खुद ही सोचो, इथेनॉल मतलब ही आपका जो भी आपका ये होता है दारू जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और पानी मतलब ही आपका वाटर, वो तो लिक्विड में ही होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं मर्क्यूरी पे। मर्क्यूरी आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो सॉल्यूट वहाँ पे लिक्विड रहेगा। सॉल्वेंट सिल्वर है, अगर मैं बात कर रही हूँ ना इसके सिल्वर की, तो सिल्वर आपका मेटल होता है, पता है ना चांदी, तो वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं आ जाऊँ क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन तो आपकी गैस है और गैस हमेशा कैसे रहेंगी, गैस। अगर मैं बोल रही हूँ कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर का ही मतलब होता है आपका CO2 गैस इन वाटर, तो CO2 कैसा होता है, गैस, इसलिए उसमें सॉल्यूट क्या रहेगा, आपका गैस।
इन वाटर बोला गया है। वाटर मतलब पानी, मतलब लिक्विड। अगर मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन इन पल्लाडियम, तो हाइड्रोजन जो होता है ना वो भी आपका गैस होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है गैस, और पल्लाडियम जो होता है वो एक मेटल है, इसलिए मैंने लिखा है, और मेटल हमेशा सॉलिड होता है। अगर मैं लिख रही हूँ एयर, एक एयर को अगर मैं दूसरे एयर के अंदर में मिक्स कर रही हूँ, तो दोनों के दोनों एयर कैसे हुई आपकी गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इस टाइप से। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आपको एग्जांपल्स को भी याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट को। जो भी आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है आपका सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक रिएक्शन होती है, जिसमें हम लोग देखो कैसे करते हैं, आप लेते हो सॉल्यूट, जो कि अब आपको पता है सॉल्यूट जो होता है, मैंने आपको ये बताया है कि जो भी आपका माइनर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगर मैं सॉल्यूट के अंदर मिलाती हूँ सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है। जब भी आपको मैं ऐसा साइन देती हूँ ना, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। ठीक है, आपको तो पता ही है कि सॉल्यूट के अंदर अगर मैंने सॉल्वेंट को मिलाया तो उससे आपका क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन, जो कि आपके चैप्टर का ही नाम है सॉल्यूशन, है ना, तो इससे फॉर्म होता है आपका सॉल्यूशन। अब दो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, देखो जब मैंने सॉल्यूट लिया है, ठीक है, और मैंने सॉल्यूट के अंदर में सॉल्वेंट को मिलाया है, तो आप लोग खुद ही सोचो, अगर आपने नमक लिया है किसी ग्लास को, अगर आपने लिया है उस ग्लास के अंदर में आपने नमक डाला है जो कि आपका सॉल्यूट है, उस ग्लास के अंदर में आपने पानी डाला है जो कि आपका सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने एक इसमें डाला है, तो आप क्या करोगे, उनको डिजोल्व करोगे ना, मिलाओगे ना चम्मच से स्पून से, तो आप उनको डिजोल्व कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप लोग, डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिजोल्यूशन, रटना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने मिलाया है, डिजोल्व करवाया है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, डिजोल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन से आप चाहते हो कि मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर दूं, तो आपके पास एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मैं आपके सॉल्यूशन से बनाती हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, वो एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, वो सब हम लोग 11th में आप लोग पढ़ चुके हो क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है, जस्ट हमें अभी इतना ही आइडिया होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट। अब देखते हैं सॉल्यूशन, तो समझ गया हमको कि एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स कौन से होते हैं। तो आपके सॉल्यूशन के टोटल तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले अनसैचुरेटेड ले लेते हैं, और एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो फिर बेसिक नहीं पढ़े बिना अगर आप चैप्टर को डायरेक्टली स्विच करते हो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसलिए बेटर है कि हम लोग बेसिक से आपको ऊपर लेके जाएं। ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो आपको यही पता होना चाहिए, जो भी आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसी को हम लोग कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये वाला टर्म यूज होता है, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो काम की चीज क्या है ना, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, बट उसने क्या किया, एक पैराग्राफ के फॉर्म में सारे डेफिनेशन को दे दिया है, पूरा इंटरमिक्स करके दे दिया है। मैं आपको क्या कर रही हूँ, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं अलग अलग डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, हम लोग उसको तीनों फॉर्म में एक एक डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन समझने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहली चीज ये है, एक ऐसा सॉल्यूशन, पहले डेफिनेशन को मैं लिख लेती हूँ, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपको डेफिनेशन लिखा के दे रही हूं, विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैं मैक्सिमम अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का उसको डिसॉल्व करवा सकती हूँ किसी भी सॉल्वेंट के अंदर में। ये चीज आपकी तभी क्लियर होगी जब मैं एग्जांपल्स लूंगी, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन को समझते हैं फिर एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड जो होता है तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन इन विच और द सॉल्यूशन विच कंटेन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, देखो इधर ध्यान से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, जो भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना वो इक्वल होता है इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। एक बार समझ लेते हैं फिर समझते हैं। और जो भी आपका सुपर सैचुरेटेड है, अब आप लोग खुद ही सोचो कि सैचुरेटेड के केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है, अनसैचुरेटेड के केस में आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस है देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो सुपर सैचुरेटेड के केस में क्या होगा कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब चलिए समझ लेते हैं एक चीज को, अगर आपने एक पानी लिया है, ठीक है पानी का एक बाउल ले लो या पानी का आप एक ग्लास ले लो, उस पानी के अंदर में अगर आपने थोड़ी सी शक्कर को डाला, थोड़ी सी शक्कर को, एकदम इतनी सी शक्कर है, आधा ग्लास वाटर है और इतनी सी शक्कर डाली है, तो आप अगर उसको डिसॉल्व कर रहे हो तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये वाली आपकी फर्स्ट वाली कैटेगरी हो गई जिससे आपका फॉर्म क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए अब अगर मैं बात कर रही हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो आप लोग ले लो कि आपने हाफ कप, मतलब आपने आधा ग्लास वाटर लिया है किसी भी ग्लास के अंदर में, और आपने उसके अंदर में हाफ टी स्पून ही शुगर ऐड की है, हाफ ग्लास के अंदर में हाफ टी स्पून, तो वो एक परफेक्ट मैचअप है। इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो इक्विलिब्रियम अमाउंट के बराबर इक्वल है, जितना मुझे ऐड करना चाहिए था आधे में आधा मैंने उतना ही ऐड किया है, और वो हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं उससे ज़्यादा उसके अंदर ऐड नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ सुपर सैचुरेटेड की, इसमें जो भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि इस आधा ग्लास पानी के अंदर में आप 3 से 4 कटोरी शक्कर को डालो, शुगर को डालो और मिक्स करो, तो आप ये देखोगे कि कुछ शुगर तो डिसॉल्व होंगी और कुछ शुगर आपकी डिसॉल्व नहीं होगी, वो वैसे की वैसे रह जाएगी, क्योंकि जो भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वहाँ पे वो कैसा है, बहुत ज़्यादा, तो वो हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी, और यहाँ से आपके इस चैप्टर का ओरिजिन स्टार्ट होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के खेल पर ही आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिपेंडेंट होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी को बड़े ध्यान से समझना। चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होता है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो जो भी आपका सॉल्युबिलिटी होता है ना उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, सॉल्युबिलिटी का आपका कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब आपने सॉल्यूट कितना लिया है और आपने डिवाइड किया है कि आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया है, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, आपकी सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया। अब हम लोग है ना यहाँ से एक जनरल अजम्पशन को लेके चलेंगे, हम लोग यहाँ से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपका सॉल्यूट भी सॉलिड लेंगे और आपका सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड लेंगे, क्योंकि तभी जाके हमारे कैलकुलेशंस हम लोग इजीली कर सकते हैं और इस टाइप के अलग अलग सॉल्यूशंस नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं डेफिनेशन को कि डेफिनेशन हम लोग कैसे फ्रेम करते फ्रॉम द फॉर्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं द रेशो ऑफ, ये एक रेशो है, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स टू द, क्या है, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो होता है, किसी भी चीज का आप वॉल्यूम लीटर्स में लेते हो, है ना, आप बोलते हैं ना दूध इतने एम एल ए उतने एम एल ए लीटर्स है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो भी आपका रेशो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का, कितना सॉल्यूट है टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना वॉल्यूम हम लोगों ने लिया है, ऑफकोर्स लीटर्स में ही लेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी। चलिए एक चीज़ जो है ये तो हमने पढ़ ली, बट सॉल्युबिलिटी का यूनिट आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के कैलकुलेशंस भी आएंगे, तो यूनिट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट को भी एग्जामिनर प्रेफरेंस देता है। यूनिट नहीं लिखा है तो आपका हाफ या वन मार्क एज पर द रिक्वायरमेंट डिडक्ट हो जाता है। अब आप लोग खुद सोचो, अगर मुझे इसका यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो भी अमाउंट होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब हम लोग एक सब्सटेंस मान के चल रहे जो कि आपका सॉलिड स्टेट में, तो मास के, मास का यूनिट क्या होता है आपके ग्राम्स, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी ग्राम्स, और एक तो हम लोग यहाँ पे मोल्स भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को ग्राम में लिया है तो आप यहाँ ग्राम लिखोगे, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को मोल्स में लिया है तो आप यहाँ मोल्स लिखोगे। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा काय में रहते हैं हम लोग लीटर्स में, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर, ये लीटर नीचे था तो वन था, जब ये लीटर नीचे से ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, मतलब ये आपका माइनस वन की पावर। समझ में आ गया। आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट चीज़ देखते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। जो भी आपकी लास्ट चीज़ है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, अगर मैं बात कर रही हूँ ना कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरी सॉल्युबिलिटी को, ये सिर्फ अभी हम लोग देख लेते हैं उन फैक्टर्स के नाम, और नेक्स्ट वाले क्लास में हम उन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली वो क्या होते हैं। तो पहला फैक्टर होता है यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, टोटल तीन फैक्टर्स होते हैं जो आपके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर होता है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और तीसरा फैक्टर होता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, आप भी जब नोट्स प्रिपेयर करते हो ना तो आप हमेशा नोट्स को चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करो। अगर चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करोगे, जैसे कि अगर मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया ना, तो हमारे माइंड को हैबिट होती है कि हम चार्ट को इजिली याद रख सकते हैं, और थेरी थेरी अगर पढ़ते जाए ना कुछ हद तक याद रहता है, उसके बाद नहीं याद रहता है, बट डायग्रामेटिक चीज़ें हमारे माइंड बहुत इजीली कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा चार्ट बना लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू द चैनल पवन वाघ एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।